हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुब्रत और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं इंडिया में सबसे टॉप सेलिंग दो स्कूटर्स के बारे में और इन दोनों ही स्कूटर को लेके मैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। आपको सारे चीज़ें मैं बताने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको इन दोनों ही स्कूटर में से चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए कौन सी सही होगी वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 6G और TVS जुपिटर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में स्पेशली आप अगर देखेंगे स्कूटर मार्केट में, तो यहाँ पे होंडा एक्टिवा लीडर है और टू व्हीलर में मोस्ट सेलिंग स्कूटर है ये इंडिया में। होंडा बहुत सालों से जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके रखा है इंडिया में, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी इसकी 6th जनरेशन आ चुका है, दैट्स वाई इसका नाम है होंडा एक्टिवा 6G। तो आप ये देख ही सकते हैं कि इस स्कूटर की कितना ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर भी कोई ख़राब स्कूटर है, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिलता है। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और ये टक्कर देती है होंडा एक्टिवा को भी। जुपिटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये दोनों ही स्कूटर सेम सेगमेंट का है। लुक्स वाइज अगर देखेंगे तो दोनों ही स्कूटर्स बिल्कुल ही अलग अलग दिखता है। जुपिटर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। बॉडी पैनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी की प्लास्टिक दिया गया है। जुपिटर के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप डीलक्स वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन मिलता है। तो आपको जुपिटर में 3 वेरिएंट्स मिलता है, स्टैंडर्ड, डीलक्स और क्लासिक। ये तीनों ही वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। बेसिकली इन तीनों ही वेरिएंट्स में जो चेंजेस है वो कुछ खास नहीं है, कलर स्कीम और थोड़ा बहुत फीचर्स अलग अलग है, इतना ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, डिज़ाइन भी सेम है। और क्लासिक में थोड़ा बहुत जो है क्रोम फिनिश दिया गया है, तो वो थोड़ी बहुत अलग डिज़ाइन के साथ आती है। और उस पर आपको विंडशील्ड भी मिलता है, पिलियन बैक रेस्ट भी मिलता है। तो जुपिटर क्लासिक मॉडल थोड़ा बहुत अलग दिखती है लेकिन डिज़ाइन इसकी बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ अलग चीज़ें सिर्फ दिया गया है। दूसरे साइड पर आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर होंडा एक्टिवा 6G थोड़ा बहुत डिफरेंट है लुक्स वाइज, और इस पे आपको दो मॉडल्स मिलता है, स्टैंडर्ड और डीलक्स। और इन दोनों ही वेरिएंट में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उस पे आपको हैलोजन बल्ब हेडलाइट देखने को मिलता है, और डीलक्स में फुल LED सेटअप दिया गया है। उसके साथ साथ DRLs भी दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फुल एनालॉग डिस्प्ले उस पर आपको मिलता है। सीट को अगर देखेंगे तो होंडा एक्टिवा की सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल जर्नी भी मिलने वाली है। और अगर स्पेस के बारे में बात किया जाए तो एक्टिवा काफ़ी अच्छा स्पेशियस है एज कम्पेयर टू जुपिटर। दोनों ही स्कूटर्स की अगर पीछे में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब रेल्स दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और एनफ लेग स्पेस भी आपको मिलता है दोनों ही स्कूटर्स में। एक्टिवा में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलता है क्योंकि लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो एक्टिवा थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का स्कूटर है। तो एक्टिवा अगर राइड क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और उससे बेटर कम्फर्टेबल जर्नी आपको देगी। इसके बाद अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए तो जुपिटर में आपको सामने की तरफ मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स, और इसके जो 3 वेरिएंट है इन तीनों में ही आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। दूसरे साइड में आप अगर एक्टिवा को देखेंगे तो इस पे कोई भी एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है जो कि पिछले वाला जो जनरेशन था उसमें नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवा 6G में है। टेल सेक्शन में देखेंगे तो टेल लाइट की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है एक्टिवा में, थोड़ा बहुत शार्प डिज़ाइन के साथ ये आती है। और एक्टिवा और जुपिटर में और भी एक सिमिलरिटीज़ है कि इन दोनों ही स्कूटर्स में जो फ्यूल फिलिंग कैप है वो बिल्कुल पीछे की साइड में दिया गया है, मतलब आपको उसके लिए सीट को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पीछे से ही जो है फ्यूल कैप आप खोल के फ्यूल फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर जुपिटर की टायर साइज़ के बारे में बात किया जाए तो सामने की तरफ और पीछे की तरफ सेम टायर साइज़ दिया गया है, वो है 90x90 सेक्शन का टायर 12-inch व्हीलबेस के साथ। दोनों ही टायर्स काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप्स देती है। दूसरे साइड में आप अगर एक्टिवा को देखेंगे तो यहाँ पे सामने की तरफ मिलता है 90x90 सेक्शन का टायर 12-inch व्हीलबेस के साथ, पीछे मिलता है 90x100 सेक्शन का टायर 10-inch व्हीलबेस के साथ।
ये दोनों ही स्कूटर में आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलता है। इन दोनों ही स्कूटर्स में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है जो कि है 130 mm की। दोनों ही स्कूटर में आपको CVS टेक्नोलॉजी भी मिलता है, तो सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है दोनों ही। इसके बाद अगर इंजन के बारे में बात किया जाए तो जुपिटर में जो इंजन मिलता है वो है 109.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इस इंजन से जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है वो है 7.3 bhp एट 7000 rpm। जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो है 8.4 न्यूटन मीटर्स एट 5500 rpm। तो पावर फिगर काफ़ी बढ़िया है। दूसरे साइड में आप अगर एक्टिवा को देखेंगे तो उसमें आपको 109.5 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जिससे जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है वो है 7.6 bhp एट 8000 rpm, और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो है 8.8 न्यूटन मीटर्स एट 5250 rpm। तो पावर फिगर के मामले में अगर आप देखेंगे तो ऑन पेपर आपको लगेगा कि एक्टिवा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी जो RPM है वो काफ़ी हाई है तब जाके पावर आपको आउटपुट मिलने वाली है। लेकिन दूसरे साइड में जुपिटर में आपको काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट देखने को मिलता है वो भी कम RPM में। लेकिन आप नॉर्मली ये चीज़ समझ नहीं पाओगे, ये सिर्फ ऑन पेपर आपको देखना पड़ेगा, और साइड बाय साइड आप अगर रेस करोगे तब आपको पता चलेगा। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो होंडा एक्टिवा में आपको 55 km/h तक की माइलेज मिलती है, दूसरे साइड में जुपिटर पे आपको 50 km/h की माइलेज मिलती है, लेकिन रियल लाइफ कंडीशन में आपको दोनों में ही इतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिलने वाली है। तो आप सोच सकते हो कि 45 से लेके 50 के बीच आपको माइलेज मिलने वाली है, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन माइलेज के मामले में अगर देखा जाए तो होंडा एक्टिवा ज़्यादा माइलेज आपको देगी। इसके बाद अगर टैंक कैपेसिटी को देखेंगे तो TVS जुपिटर में आपको 6 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलता है, दूसरी साइड में होंडा एक्टिवा में 5.3 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा आपको प्रेफरेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवा में ज़्यादा माइलेज मिलेगी आपको। तो उस हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर है, कुछ फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा रियल लाइफ कंडीशन में। इसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस और वेट के बारे में बात किया जाए तो जुपिटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm की, और जो कर्व वेट है वो है 109 किलोग्राम्स की, और जो सीट हाइट है वो है 765 mm की। दूसरे साइड में आप अगर देखेंगे होंडा एक्टिवा को तो उसकी वेट है 107 किलोग्राम्स, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 179 mm की, और जो सीट हाइट है वो है 692 mm की। तो अगर प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे तो यहाँ पे होंडा एक्टिवा आगे जाता है, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है, और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसकी सीट हाइट भी कम है तो हर कोई इसे इजीली चला सकता है, और वेट भी कम है एज़ कम्पेयर टू TVS जुपिटर। आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर दिया है। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से होंडा एक्टिवा 6G काफ़ी बढ़िया एक स्कूटर निकल के आती है, लेकिन दूसरे साइड में TVS जुपिटर भी है, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा होंडा एक्टिवा 6G को, क्योंकि इसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो वेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू TVS जुपिटर, और इसकी सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कम है तो कोई भी राइडर इसको ईजिली चला सकता है, मेल फीमेल कोई भी इजीली चला सकता है, तो हाइट को लेके भी कोई इशू किसी को भी नहीं होने वाली है। तो इसके बाद अगर प्राइस के बारे में देखा जाए तो TVS जुपिटर की जो प्राइस स्टार्टिंग होती है वो है 67,133 रुपीज़ से, और जो होंडा एक्टिवा की प्राइस स्टार्ट होती है वो है 70,311 रुपीज़ से लेके बहुत तक जाता है, मतलब 90 तक चला जाता है। तो आप खुद से जो है अभी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी है इन दोनों में से। आई होप मैंने आपको सारे चीज़ें समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को आगे भी, और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।